मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है जिसमें औरतों के हकूक़ हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमल करेंगे, और तभी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना कारोबार कर सकती हैं। अगर उन्होंने खुदा ना खास्ता जो 90s में उन्होंने अपना एक तरीक़ेकार अपनाया था, अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं, खासकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसका मसला है उसमें मैं क्या रामगोपाल मिलना चाहिए राय। देखिए, पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो बाहर से कमिटीज़ आती हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको जगह जगह लेके चले जाते हैं ये दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है, जब हम जैसे लोग और या खासकर जो DDC मेंबर हैं जो पिछले 9 महीने से उनको बंद किया हुआ है और उनको कहते हैं अगर आप बाहर जाओगे तो आपको ख़तरा है, पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है। तो जिन्होंने कहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ें मिलनी चाहिए, ये तो उनका कहना है, उसमें मैं क्या कमेंट करूँ।